फिर से आ गया है कोरोना। घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। मौसम की मार इस बार गेहूं की फसल पर पड़ी है। बता दें कि एडवांस में गर्मी पड़ने के कारण दाना सिकुड़ने से प्रति एकड़ झाड़ में कम से कम 5 क्विंटल का अंतर आया है। पिछले साल 143.28 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा गेहूं का भंडारण करने वाले पंजाब की मंडियों में अब सीजन की समाप्ति की तरह है और अभी तरफ है और एक भंडारण सिर्फ 101 लाख मेट्रिक टन के करीब ही हो पाया है। पिछले साल की अपेक्षा ये 32.28 लाख टन मेट्रिक टन के करीब कम है। इस बार मौसम की मार के कारण गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। मंडियों में गेहूं की आवक कम होने और खरीदारी गिरने के कारण इस सीजन में 7,200 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान होने की आशंका है। इस घाटे का असर मंडियों में निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक सभी पर पड़ा है। घाटे के कारण किसान, मजदूर, आंटी, मंडी बोर्ड से लेकर ट्रांसपोर्टर सभी इससे प्रभावित हुए हैं। सभी की कमाई इस बार घट गई है। इस एक क्विंटल गेहूं के किसान को 2,015 रुपए, पंजाब मंडी बोर्ड को 121 रुपए, एक आंटी को 47.83 रुपए, एक मजदूर को 24.58 रुपए और एक ट्रांसपोर्टर को 27.81 रुपए भंडारण के लिए मिलते हैं। मंडी बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार इस बार मंडी में गेहूं की कमी के कारण करीब 7,200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस साल गेहूं की खेती का रकबा भी 2021 के मुकाबले कम रहा। पिछले साल गेहूं का रकबा 35.14 लाख हेक्टेयर था, जो इस साल 35.02 लाख हेक्टेयर रह गया है। 2008 के बाद ये दूसरा मौका है जब गेहूं की पैदावार में इतनी बड़ी गिरावट दिखाई दी पड़ रही है। साल 2008 में बड़ी गिरावट के कारण तत्कालीन केंद्र सरकार ने प्राइवेट खरीद पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी, लेकिन बाद में बड़ी कंपनियों के दबाव में केंद्र सरकार ने केवल 25,000 टन गेहूं खरीदने की इजाजत दी थी। राज्य के कृषि विभाग द्वारा हाल ही में किए गए फसल कटाई आंकड़ों के अनुसार गेहूं की उपज में प्रति हेक्टेयर औसतन 5 क्विंटल की गिरावट आई है। राज्य में पिछले साल 48.68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं की पैदावार हुई थी। पिछले साल पंजाब का कुल गेहूं उत्पादन लगभग 171 लाख टन था। इस वजह से जो 132 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था, वह भी काफी पीछे छूट गया है। मंडियों में गेहूं कम पहुंचने के पीछे एक कारण यह भी माना जा रहा है कि बहुत सारे किसानों ने इस बार अपनी फसल मंडियों में बेचने के बजाय उसका भंडारण अपने स्तर पर किया है। किसानों का मानना है कि वह ऑफ सीजन में भंडारण की गई गेहूं को फिर निजी कंपनियों को महंगे दामों पर बेचेंगे। तो ये तो थी बात हमने की गेहूं पर पड़ी मौसम की मार की। तो बड़ी खबर में आज बस इतना ही, लेकिन और बड़ी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।